क्या आपको कंधे में दर्द है या आपको अपना हाथ इस तरह से ऊपर उठाने में तकलीफ होती है, दर्द होता है? मायसेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान, आई एम एन ऑर्थोपेडिक एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर अ पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। क्या आपके कंधे में भी चोट लगी है या आपके कंधे में दर्द रहता है? आपको कंधा ऊपर उठाने में तकलीफ होती है, आपको बाल बनाने में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको हाथ को ऊपर उठाना होता है उसमें आपको तकलीफ होती है? अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपके कंधे में रोटेटर कफ टियर हो या सुप्रा स्पाइनस मसल टियर हो। सबसे पहले इस तकलीफ को समझने के लिए हम कंधे की एक नॉर्मल बेसिक एनाटॉमी समझेंगे। यह हमारे कंधे के जो हिस्से कहते हैं वो है जिसे क्लेविकल कहा जाता है। हमारे कंधे के जॉइंट में कई सारी मसल्स होती हैं जिनसे चार इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, सुप्रा स्पाइनस, इंफ्रा स्पाइनस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। सुप्रा स्पाइनस मसल इस तरह से कंधे के ऊपर से आकर और हमारे हाथ की हड्डी पर जुड़ती है। इसके पीछे की ओर से इंफ्रास्पाइनस और टेरिस माइनर मसल आती है और आगे से सब स्कैपुलरिस मसल आती है। ये चारों मसल्स कंधे के जॉइंट पर आपस में कंटिन्यूएशन बनाकर एक कफ का निर्माण करती है जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं। जब कभी आपको इस तरह की तकलीफ होती है, आपके डॉक्टर आपको शोल्डर जॉइंट की एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं तो उसमें रोटेटर कफ टियर या सुप्रा स्पाइनस मसल टियर लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको रोटेटर कफ में इंजरी है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। रोटेटर कफ टियर क्यों हो सकता है? रोटेटर कफ टियर सामान्य रूप से जब हम हाथ की अपने कंधे की एक्टिविटीज जिसमें कि हाथ को ऊपर उठाना होता है हम गलत तरीके से रिपीटेटिव यूज करते हैं तो हमको रोटेटर कफ टियर हो सकता है। ओल्ड एज में भी यह मसल कमजोर हो जाती है जिसके वजह से एल्डरली पॉपुलेशन में रोटेटर कफ टियर ज्यादा कॉमनली देखा गया है। इसके अलावा आपको कोई ट्रॉमा हो, कोई चोट लगी हो कंधे में जिसमें डायरेक्ट हिट या फिर हाथ के बल गिरने की वजह से भी आपका रोटेटर कफ में टियर हो सकता है। यह कई बार एथलीट्स में जिनमें ज्यादातर वह एथलीट जिनमें हाथ को ऊपर उठाना या थ्रोइंग या इस तरह की एक्टिविटी शामिल होती है उनमें रोटेटर कफ टियर ज्यादा देखने में मिलता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है या आपको डिसलिपिडीमिया है, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल आपकी बिगड़ी हुई है तो भी यह ज्यादा देखा गया है। अगर आपको रोटेटर कफ टियर है तो आपको शोल्डर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। वह आपके शोल्डर में कुछ एग्जामिनेशन कुछ टेस्ट करते हैं जिनमें कई क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें ड्रॉप आर्म टेस्ट, बेली प्रेस टेस्ट, हॉकिंस टेस्ट, इस तरह के कई टेस्ट हैं जिनसे वो पर्टिकुलरली इन चार मसल्स के एक्शंस को एग्जामिन करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ को एग्जामिन करते हैं जिससे मालूम चलता है कि आपको पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है। इसके लिए आपके शोल्डर सर्जन आपको शोल्डर के एक एक्सरे के लिए एडवाइस कर सकते हैं जिसके अंदर आर्थराइटिस या इम्पिंजमेंट, शोल्डर माइग्रेशन ये सब देखा जा सकता है। लेकिन एक्सरे के ऊपर हम रोटेटर कफ, सुप्रा स्पाइनस मसल या इसके जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको हम एक्सरे पे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपके शोल्डर सर्जन आपको एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की एमआरआई करवानी चाहिए जिसमें कम से कम 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला की एमआरआई करवानी चाहिए ताकि हम प्रॉपर रूप से अच्छी फिल्म्स देख सके हैं और आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके। अगर आपको रोटेटर कफ टियर है और आप इसको इग्नोर करते हैं, आपके शोल्डर स्पेशलिस्ट आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं लेकिन आप उसमें डिले करते हैं, देरी करते हैं तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? रोटेटर कफ हमारे शोल्डर में मौजूद ह्यूमरस हड्डी के लिए एक छत का काम करते हैं। अगर यह रोटेटर कफ टियर हो जाता है तो हमारे आर्म की बोन ह्यूमरस धीरे धीरे ऊपर की ओर माइग्रेट करने लग जाती है और यह लंबे समय में यह हमारे शोल्डर के अंदर शोल्डर आर्थराइटिस कर सकती है।
अगर आपको शोल्डर आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है तो यह पूरे समय आपको दर्द करता है और इसका फिर आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि हमें छोटी सर्जरी को अवॉइड करने के लिए बड़ी सर्जरी की ओर चले जाते हैं। दूसरा एक इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि यह एक मसल का पार्ट है, एक टेंडन है जो कि मसल से जुड़ा होता है। लंबे समय तक अगर हम इसका इलाज नहीं कराते हैं तो यह टेंडन धीरे धीरे अपने ओरिजिनल अटैचमेंट साइट से दूर होने लगता है, जिसे हम टेंडन रिट्रैक्शन कहते हैं। अगर टेंडन धीरे दूर होने लगता है तो इसे हम सर्जरी के द्वारा जब हम वापस लाते हैं तो उस पुराने टेंडन को खींचकर अपनी जगह पर ओरिजिनल जगह पर लाना पड़ता है, जिसके वजह से रिपेयर जो होता है अंडर टेंशन होता है। मतलब अगर हम उसको दूर से खींचकर लाकर उसको ओरिजिनल जगह पर चिपकाते हैं, उसको ओरिजिनल जगह पर हम सेट करते हैं तो उसमें एक टेंशन रहती है, और अगर रिपेयर अंडर टेंशन होता है तो इसकी सक्सेस रेट कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको रोटेटर कफ टियर है तो इसे हमें सही समय पर सही इलाज करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि अगर रोटेटर कफ टियर है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल टियर है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपको अगर शोल्डर में इंजरी हुई है और आपको लगता है आपको रोटेटर कफ टियर है तो आपको एक बार के लिए प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। आप आइसिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको जल्द से जल्द एक शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके शोल्डर में पार्शियल रोटेटर कफ टियर है तो इसके लिए हम कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस और पीआरपी के द्वारा इसको हम सही कर सकते हैं। पीआरपी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा पीआरपी पे बना हुआ एक अलग से वीडियो है, वो देख सकते हैं। अगर आपको रोटेटर कफ कंप्लीट टियर है तो इसकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, मतलब दूरबीन से इसकी सर्जरी होती है। दूरबीन से सर्जरी होने के कई फायदे हैं, जिसमें एक तो आपका यह कॉस्मेटिकली अच्छा है, छोटे छोटे छेद से सर्जरी होती है, आपको बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा, इसके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं। तीसरा, छोटे इंसिजन होने की वजह से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इस तरह से आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ टियर के कई बेनिफिट्स हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पार्शियल रोटेटर कफ टियर है तो आप पीआरपी लगवा सकते हैं और इसके लिए कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजें होती हैं, देखें। थैंक यू।